नमो बुद्धाय। फादर हाउस आपका स्वागत करता है। Shalom,
बुद्ध वंदना पंचशील उस भगवान अर्थ सम्यक संबुद्ध से मेरा नमन है। उस भगवान अर्थ सम्यक संबुद्ध से मेरा नमन। उस भगवान अर्थ नमक मेरा नमन। मैं बुद्ध को अनुसरण करता हूँ, मैं धम्म को अनुसरण करता हूँ, मैं संघ को अनुसरण करता हूँ, मैं दूसरी बार बुद्ध को अनुसरण करता हूँ, मैं दूसरी बार धम्म को अनुसरण करता हूँ, मैं दूसरी बार संघ को अनुसरण करता हूँ, मैं तीसरी बार बुद्ध को अनुसरण करता हूँ, मैं
मैं तीसरी बार धम्म को अनुसरण करता हूँ। तीसरी बार संघ को अनुसरण करता हूँ। मैं प्राणी मात्र की हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं चोरी करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं काम वासना के अनाचार से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं झूठ बोलने से विरह रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं शराब ऐसे ही नशीले चीजों से जीवन से विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कोई भी पाप कर्म का ना करना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, अपना चित्त शुद्ध परिशुद्ध करना, यही बुद्ध की शिक्षा है। साधु 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 साधु। रतन सूता, इस सूत की देशना भगवान बुद्ध ने वैशाली में की थी, जबकि वैशाली की जनता दुखी, दुर्भिष्य, रोग और अमनुष्यों से पीड़ित थी। इसमें बुद्धम धम्मा संघ के गुण वर्णित है। इस समय पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित हैं, वे सभी प्रसन्न हो और हमारे इस कथन को आदरपूर्वक सुने। इसलिए सभी प्राणी सुने, मनुष्य मात्र के प्रति मैत्री करें, जो कि वो दिन रात उनका प्रतिपालन करते हैं। और इसलिए अप्रथम प्रसाद रहित होकर उनकी रक्षा करें। इस लोक या परलोक में जो भी धन है अथवा स्वर्गों में जो उत्तम रत्न है,
उनमें से कोई भी बुद्ध के समान श्रेष्ठ नहीं है। यह भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जिस उत्तम अमृत विराग पद और सभी दोषियों के नाशक निर्वाण को एकाग्र होकर शाक्यमुनि ने प्राप्त किया, उस धम्म से समान दूसरा कुछ श्रेष्ठ नहीं है। यह भी धम्म में उत्तम रतन है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। परम श्रेष्ठ भगवान बुद्ध ने जिस पवित्र समाधि का तत्काल फलदायी बताया, उसी समाधि के समान दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। यह भी धम्म में उत्तम रत्न है। इस सत्व से कल्याण हो। जो बुद्ध द्वारा प्रशंसित आठ प्रकार के व्यक्ति हैं, इनके चार जोड़े होते हैं। वे बुद्ध के शिष्य दक्षिणा देने के योग्य है। इन्हें दान देने में महाफल होता है। यह भी संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जो गौतम बुद्ध के शासन में तृष्णा रहित है, दुर्बंध से संलग्न है, वे प्राप्तव्य को प्राप्त कर अमृत में पेट श्रेष्ठत्व को पावे, मुक्ति रस का आस्वादन करते हैं। ये भी संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जैसे भूमि में गड़ी इंद्रकील चारों ओर की हवा से भी कपती नहीं है, वैसे ही सत्य पुरुष का को कहता हूँ, जो कि आर्य सत्यों में भरी प्रकार का ध्यान पूर्वक दर्शन करता है। यह भी संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जो गंभीर प्रज्ञा वाले बुद्ध द्वारा उपदिष्ट आर्य सत्यों का मनन करते हैं, वे चाहे भले ही एकदम प्रमाद में पड़े हुए ही हो,
किंतु आठवां जन्म ग्रहण नहीं करते, यह भी संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। दर्शन प्राप्ति के साथ ही साथ उसके तीन बंधन छूट जाते हैं, सत्काय, दृष्टि, विचिष्टिका, शीलवंत परामर्श अथवा अन्य जो कुछ भी बंधन हो, वह चार उपायों से मुक्त हो जाता है। छरु घोर पाप कर्मों का कभी भी आचरण नहीं करता, यह भी संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। भले ही वह शरीर, वचन अथवा मन से पाप कर्म करता है, किंतु वह उसे कभी छिपा नहीं सकता, क्योंकि निर्वाणदर्शी को छिपाने में असमर्थ कहा गया है। यह भी संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जैसे वसंत ऋतु में प्रारंभ में वन और झाड़ियां पुष्पित होती है, वैसे ही श्रेष्ठ धर्म का उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया, जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला तथा परम हितकारी है। यही बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। श्रेष्ठ निर्वाण के दाता, श्रेष्ठ धम्म के दाता, श्रेष्ठ मार्ग के निर्देशक, श्रेष्ठ लोकोत्तर बुद्ध के उत्तम धम्म का उपदेश दिया है। यह भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। सारा पुराना कर्म छीन हो गया, नया उत्पन्न नहीं होता, उनका चित्त पुनर्जन्म से विरक्त हो गया है, वे छीन बिन हो गए हैं, उनकी तृष्णा समाप्त हो गई है, वे इस प्रदीप के समान निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। यह भी संघ में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। इस समय इस पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित है, तथागत उन सभी देव और मनुष्यों से पूजित है।
हम बुद्ध को नमस्कार करते हैं। कल्याण हो। इस समय इस पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित हैं, तथागत उन सभी देव और मनुष्यों से पूजित है। हम धम्म को नमस्कार करते हैं। कल्याण हो। इस समय इस पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित हैं, तथागत उन सभी देव और मनुष्यों से पूजित है। हम संघ को नमस्कार करते हैं। कल्याण हो। सब का मंगल सब का मंगल हो।